तो है गाइस, आप तो देख ही पा रहे हो। तो पिछले वीडियो में यही तक था, ये वाला जो राफ्ट है ना मैंने तोड़ दिया था। तो आज मैं सोच रहा हूँ यार एक राफ्ट बनाना जाए। तो एक राफ्ट बना के तो इनिम का राफ्ट ढूंढते हैं, ठीक है। तो चलो राफ्ट बनाने का जो सामान है ना वो लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स लगाया था, बॉक्स ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। तो बॉक्स के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ मैंने, तो उसके अंदर बहुत सारे सामान है, तो सामान देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मतलब और क्या क्या सामान चाहिए, ठीक है। तो चलो वो सामान कलेक्ट करते, कलेक्ट करने बाद एक क्राफ्ट बनाते हैं। तो मेरा जो सामान है यही ऊपर होगा बॉक्स के अंदर। ये देखो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लगाया था, तो इसके अंदर थोड़ा सा सामान होगा, ठीक है। तो ये सामान ले लेते हैं। और थोड़ा सा हाइट चाहिए, हाइट तो नहीं है बिल्कुल यहाँ पे, तो हाइट चाहिए क्योंकि मुझे अभी एक क्राफ्ट बनाना है, बस यही काम बाकी है। तो चलो पहले हमारा जो राफ्ट का जो सामान है ना वो सारे कलेक्ट कर लेते। तो हाँ गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो आपका मर्जी है, ठीक है। मन चाहे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो गेम एंजॉय करो, ठीक है। चलो हमारा जो राफ्ट का काम है वो तो हो गया। तो देखो हमारा जो 100 लेवल है ये भी हो गया यार। कुछ कुछ छापा में ना यार 100 लेवल नहीं मिलता है, ठीक है। तो मुझे तो मिल गया था। ओके चलो, हमारा पास सब कुछ है, मतलब राफ्ट ने जो जो लगाया ना सब कुछ है। तो मुझे यहाँ पर सब कुछ बनाना ही पड़ेगा क्योंकि यार देखो तो सारा सामान बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सामान भी चाहिए खुद है। लेकिन मैं यार तो फिलहाल यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से यहाँ पे वो स्टोन वगैरह है, थोड़ा थोड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने राफ्ट बना लिया, राफ्ट को यहाँ पर बॉक्स के अंदर रख दिया। ओके नहीं, बॉक्स के अंदर से ले लिया। तो मैं जा रहा हूँ अभी राफ्ट प्लेस करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे राफ्ट लगाना है और राफ्ट को बिल्ड करना है क्योंकि यार देखो कोई भी टारेट वाला राफ्ट अगर पीस में मतलब मैरिन के अंदर मिल जाए ना, समुंदर के अंदर मिल जाए, तो जो वो मुझे मार ना पाए, इसलिए मुझे यहाँ पे राफ्ट को प्रोटेक्ट करना होगा, कि स्टोन का बनाना होगा, ठीक है। मेटल तो अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि पीवीपी सर्वर में आप तो जानते ही हो कि अगर है कि उस ना करो तो मेटल फार्म करना कितना मुश्किल है, तो इसलिए मैं स्टोन के बनाऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे सेल भी लगा दिया, अब चलते राफ्ट का जो सामान है ना वो इस क्या बोलते हैं फाउंडेशन वॉल वगैरह वो सब लेके रहते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फार्म कर लेते हैं क्योंकि मुझे अभी एक फेंस और एक वॉल वो जो पिलर लगाना है, क्योंकि उससे अगर फेंस और पिलर लगाऊंगा ना तो राफ्ट पर जो स्टोन का फाउंडेशन लगाऊंगा तो वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए मुझे एक फेंस और एक पिलर पहले लगाना होगा। चलो मैंने फेंस तो बना लिया और अभी थोड़ा सा फार्म करते हैं, ठीक है। फार्म करने के बाद चलो चलते हैं। तो यह बार मैंने 2.3x कर दिया वीडियो क्योंकि यार फार्म कर रहा हूँ, फार्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया वीडियो। और हाँ, फास्ट करने के बाद भी वॉइस दे रहा हूँ क्योंकि ये वॉइस ओवर हो रहा है क्योंकि इसका वॉइस नीचे वीडियो के अंदर नहीं है, ठीक है, मतलब वीडियो के साथ में नहीं है, नहीं तो वॉइस भी 2 गुना स्पीड हो जाता। चलो यह बार मुझे बहुत सारे स्टोन वुड और थैस लगेगा, ठीक है, जो फाउंडेशन वगैरह है ना, फाउंडेशन वॉल वगैरह सब बनाने के लिए। तो मैं पहले फार्म कर लेता हूँ, ठीक है। चलो फार्म करने के बाद आते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो भी चीज़ फार्म करना तो फार्म हो गया। अब देखो एक बेड भी बना लिया मैंने, ठीक है। अब चलो राफ्ट पर जाके सब कुछ प्लेस करते हैं, मतलब राफ्ट को बिल्ड करते सही तरीके से। तो मैंने लगभग सब कुछ बना लिया, तो थोड़ा थोड़ा जितना भी मतलब चाहिए होगा, मतलब जो भी सामान चाहिए होगा वो तो मैं बना ही लूँगा, ठीक है। पहले इसको इनको देखते हैं कि कितना दूर तक होता है, ठीक है। चलो एक फेंस और एक पिलर लगा के फाउंडेशन को लगाना है, ठीक है। तो मैं बीच में लेकर जाऊँ, मतलब अंदर लेके जा रहा हूँ क्योंकि कोई भी आके मुझे मार ना दे, कोई भी आके अटैक ना करे, मतलब उसका रेंज से बाहर जा रहा हूँ कि मुझे किनारे से देख ना पाए, ठीक है। नहीं तो यार कोई भी आके मार देगा ना तो मेरा सारा सामान लूट लूट लेगा, तो सारा वेस्ट होकर जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो, अगर पिलर और फेंस लगाऊंगा तो ये जो बिल्ड मतलब फाउंडेशन है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, मतलब राफ्ट के अंदर घुस रहा है। ओके तो चलो मैंने राफ्ट बनाना काम स्टार्ट कर दिया। तो फिलहाल अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो राफ्ट बनाने के बाद जो इनिमिका का बेज है ना, बेज नहीं राफ्ट ढूंढते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ही लगाया, मतलब बीच में 3 फाउंडेशन लगा के थोड़ा सा बनाया कि मुझे यार कोई भी मतलब कोई भी इनिमी मार ना पाए या फिर टारेट वगैरह मार ना पाए ऐसा, ठीक है। तो मैंने पूरा राफ्ट बिल्ड नहीं किया क्योंकि पूरा राफ्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा स्टोन का स्ट्रक्चर लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा किया कि जितना से मैं प्रोटेक्ट हो सकता हूँ उतना ही लगाया मैंने। ओके चलो हमारा राफ्ट तो तैयार हो गया। आप यहाँ पर लगा थे एक जो सीलिंग है, सीलिंग लगा था, ठीक है। तो
अभी तो फिलहाल ऊपर नहीं, ऊपर वॉल नहीं लगाऊंगा, इसके ऊपर सीलिंग लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर सीलिंग लगा देते, वॉल और ऊपर नहीं जाएगा, वैसे यहाँ पे सीलिंग लगाना है मुझे, क्योंकि अगर बाहर जाना है तो बैठ के जाना पड़ेगा, और खड़ा होऊंगा तो या टाइट वगैरह मुझे मार देगा, क्योंकि शेर वो सीलिंग के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो हमारा राफ्ट तैयार हो गया, अबे लग जाना ये वाला सीलिंग, क्यों नहीं लग रहा है, अबे क्या दिक्कत है यार। ओके लग गया, अब इसके अंदर एक बेट और एक बॉक्स लगाना है, ठीक है। अबे प्लेस तो हो जाए यार, प्लेस नहीं हो रहा है, क्या बात है। ओके चलो प्लेस हो गया, और यहाँ पर एक बॉक्स लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं लूट वगैरह रख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो हमारा राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन यार एक दिक्कत होता है, देखो यार मैं राफ्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए, देखो एक्सेस नहीं हो रहा है। तो इस मेटल में ऐसा नहीं होता, अगर मेटल के स्ट्रक्चर लगाऊँ तो मेटल का फाउंडेशन के ऊपर से भी एक्सेस होता है, लेकिन स्टोन का और वुड का स्ट्रक्चर के ऊपर से वो जो एक्सेस नहीं होता है, तो देखो मुझे बाहर आना पड़ रहा है एक्सेस करने के लिए, यार बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो एक्सेस तो कर ही लूँगा मैं, लेकिन यार देखो बाहर, यार बाहर से ऐसे करूँ या फिर कूद जाऊँ नीचे, तब जाके करना पड़ेगा, लेकिन यार देखो एक्सेस ही नहीं रहा है, देखो और भी हटना पड़ेगा यार, कहीं मैं कूद नीचे गिर ना जाऊँ यार, और नीचे से मछली वगैरह मुझे खा ना जाए, और अगर एक बार मैं मर जाऊँगा ना तो राफ्ट आ नहीं पाऊँगा। नहीं नहीं यार राफ्ट में तो बेट तो लगा दिया, ठीक है। चलो हमारा राफ्ट का काम हो गया, आप चलते इनिमी का बेस ढूंढने के लिए। तो यार एरा कार्नो आइलैंड, तो यहाँ पर तो मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइल्ड एग्रेसिव वाला डायनो रहता है ये पे, तो मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल राफ्ट और इनिमी का बेस ढूंढने के लिए, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो कार्नो आइलैंड के 5 से 10 एक यहाँ पर नीचे केब है, तो मैं केब में नहीं जाऊँगा, अगर केब के अंदर बेज होगा तो यह टारेट तो ज़रूर होगा, क्योंकि हैकर ही केब के अंदर बेज बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर भी चलो, अरे रात हो गया यार, यार रात में बहुत दिक्कत होता है कि यार जो दूर का राफ्ट है ना वो मैं देख नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पर देखो मुझे एक बंदा मिल गया, इसको मैंने मार दिया, तो इसके अंदर देखते, इसके अंदर कुछ भी नहीं, मेट और थोड़ा सा हाइट मिल गया, ठीक है। इसका राफ्ट में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था, तो मैं इसको मार दिया रखें, ठीक है। तो ये तो राफ्टर नहीं आ पाएगा, अगर इसके फाउंडेशन इसके नीचे अगर बेड नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा ये। ओके चलो अब चलते फिर से राफ्ट ढूंढने के लिए। तो यार मुझे तो राफ्ट नहीं मिला, एक भी नहीं मिला यार, बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ मैंने, एक भी राफ्ट नहीं मिला। तो यार अगर अंदर नहीं मिलेगा ना तो मैं ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है, ऊपर ग्राउंड में चला जाऊँगा, ठीक है। चलो नहीं मिला यहाँ पे, तो बस देखो यार कैसा ग्लिच है यार, ये हैकर का काम नहीं है, ये गेम का ग्लिच है, ये सिंगल प्लेयर में भी होता है ऐसा, ठीक है। तो चलो मैं ऊपर चला आया, इधर देखो मुझे एक बेस दिखा था थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत देर से इसको फॉलो कर रहा था, तो इसका एक मेटल बेस है साइड में, और ये यहाँ पर एक स्टोन का बेस बनाया, तो ये यहीं पे ही था, ऑनलाइन ही था, तो मैं सोच रहा था कि जाके तोड़ दूँ, लेकिन यार मेरे पास लॉन्चर होता ना तो दोनों बेस मैं तोड़ सकता था, लेकिन मेरे पास लॉन्चर नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे शॉर्ट से ही तोड़ना पड़ेगा, लेकिन यार बहुत टाइम लगेगा तोड़ते तोड़ते, अगर वो चला आए ना तो यार फाइट तो यहाँ पर हो ही जाएगा, लेकिन यार मेरा मन नहीं फाइट करने का, तो उसको बोलूँगा टीम अप करने के लिए, देखते टीम अप करता है नहीं, लेकिन यार पता नहीं कहाँ है वो, तो वो तो अभी नहीं आया। तो ये देखो इसका डैमेज ज़्यादा नहीं है शॉर्ट का, ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ यार अगर वो चला आए ना तो यार मैं तो तोड़ ही नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यार ये मुझे लगता है ये पक्का हैकर है, क्योंकि इसका साइड में एक मेटल का बेज है, और ये देखो इसका मेटल का, ओ भाई देखो देखो ये आ गया यार, ये आ गया, ये देखो ये आ गया यहाँ पे, अब मेरा सामने से दौड़ के चला गया यार, यहाँ पे आ गया, ये देखो नीचे, ये देखो यार पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन यहाँ पर आ गया, ये मुझे यार मारना चाहता है मुझे, चलो ये पक्का हैकर है, क्योंकि इसने देखो मेटल का बेस कहाँ बनाया, यहाँ पे उसको मेटल कहाँ से मिलेगा, इतना सारा मेटल यार, पी सर्वर है, पीवीपी सर्वर में मेटल फॉर्म करना और ऐसा बेस बनाना यार, देखो ये मुझे मारने आ रहा है, आ रहा है देखो, और मुझे फाइट नहीं करना, चलो उसको लिख के देते यार मुझे फाइट नहीं करना है, फिर भी मुझे मार रहा है यार, चलो मैसेज कर देते, फिर पता नहीं यार टीम अप करेगा नहीं, फिर भी देखते ट्राई करके तो देखते हैं यार, मैसेज करके देखते कि ये टीम अप करेगा नहीं, ठीक है। तो चलो वो फिलहाल मेरे आगे या पीछे मुझे यार दिख नहीं रहा है कहाँ पे, वो देखो देखो मेरे पीछे यार, ऐसे नीचे से आ रहा है जा रहा है यार, मैं ऊपर चला आया कैसे पता नहीं यार, और ऊपर नहीं आ पा रहे, तो देखो चलो इसको देखते यार, फाइट तो नहीं करना मुझे, बिल्कुल फाइट नहीं, और वो कूद रहा है यार, मतलब वो मुझे बुला रहा है कि नीचे आ जाओ फिर तुझे मार दूंगा,
लेकिन मुझे नीचे तो नहीं जाना है यार। और यार पीवीपी सर्वर में ऐसा होता है कि कोई टीम अप नहीं करता, अगर टीम अप करता है ना तो वो यार सामान लेके भाग जाएगा ऐसे, यही डर से। मैं भी टीम अप नहीं करता हूँ, मैं हमेशा सोलो ही खेलता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको मैंने लिख के दिया कि मुझे फाइट तो नहीं करना है, ठीक है। खेलो यार ऐसे खेलो, मज़े करो, फाइट नहीं करना है। लेकिन यार मैं इसको मार सकता हूँ, मेरे पास जो शॉट है ना यार एक हिट में मार जाएगा। लेकिन यार मेरा गेम का एक दिक्कत रहा, क्योंकि मोबाइल हीट होता है तो बहुत ज़्यादा लैग, मतलब तो लैग तो होता ही है, पीवी सर्वर में लैग ज़्यादा होता है। और एक चीज़ होता है कि यार गेम क्रैश हो जाता है, ठीक है। मतलब जब लैग ज़्यादा हो जाता है ना तो यार गेम क्रैश हो जाता है। ये देखो यार ये ऊपर चला है, ऊपर चला, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है अभी। तो देखो यार मुझे फाइट नहीं करना है यार, खेलो सही से खेलो, नहीं तो यार मैं मार दूंगा इसको। ये देखो ये मुझे मार रहा है, साले मार रहा है मुझे। यार मैं चाहता तो इसको मार सकता था यार, शॉट पे एक शॉट मारता तो ये मर जाता यार, इसका आर्मर पूरा टूट जाता। क्योंकि यार इसका आर्मर पता है मुझे इनग्राम्स वाला आर्मर है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर और नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो नीचे आ जाए, वो नीचे आ जाए। यार ये तो मुझे मारना ही चाहता है यार, नीचे आ जाए फिर देखता हूँ इसको। तो यार एक लॉन्चर होता ना तो इस, मतलब मेरे पास लॉन्चर होता तो इसका दोनों बेज में अभी तक उड़ा चुका होता, लेकिन मेरे पास फिलहाल अभी लॉन्चर नहीं है। क्योंकि यार एक सर्वर में आज जाके खेलूँगा तो कल जाऊँगा ना तो सर्वर यार वाइप कर देते हैं हमेशा, ऐसा होता है पता नहीं क्यों, ठीक है। और न्यू करेक्टर आ जाता है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं अभी, तो मुझे अभी फाइट नहीं करना है। ये देखो मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं ये पढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं, अगर ये फाइट करना चाहता है तो मैं भी फाइट करूँगा और देखते हैं यार कौन जीतता है। अगर गेम क्रैश ना हो जाए ना तो मैं इसको मार दूँगा, और अगर गेम क्रैश हो जाए तो यार क्या ही बोलूँ यार, तब तो मैं ही मार जाऊँगा, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं, अभी नीचे जाके देखते यार क्या करना चाहता है। तो इसको तो यार इसे तो अभी फिलहाल दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले। ये देखो सामने सामने साले दौड़ रहा है ऐसे, ये देखो यार सामने मुझे मार रहा है, ये देखो मुझे मार रहा है यार, इसके हाथ में देखो स्पाइक है, मुझे मार रहा है। तो भाई हीट भी कहते हैं इसका, स्पाइक का डैमेज नहीं है ज़्यादा, मतलब इनग्राम चला है। तो मेरे पास जो शॉट है ना यार, तो एक मतलब शॉट का एक हिट खाएगा तो मर जाए। अबे देखो यार इसने ट्राई इस टेगो को यार हिट कर दिया, और इस टेगो इसके पीछे पड़ गया। देखो यार इस टेगो इसके पीछे पड़ गया, अगर उसका वो स्टोन का बेस के पास जाएगा ना तो यार ये तोड़ देगा। ये देखो यार इस टेगो इसको मार रहा है, ये अभी ऊपर आएगा। लेकिन हाँ यार मेरा गेम अभी लैग कर रहा है थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है। ये देखो ये स्टोगे मारा मुझे यार, नीचे धकेल दिया साले। इस टेगो को क्यों डैमेज दिया पता नहीं इसने, अरे मुझे लगता है यार गलती से दे जाए। चलो कोई बात नहीं, तो इसको अभी देखते हैं फिलहाल। भाई ये मुझे मार रहा है, देखो स्टोगे को नहीं मारा किसी ने। अबे स्टोगे क्या कर रहा है यहाँ पे, पता नहीं किसको मार रहा है यार, मुझे मार रहा है हमेशा के लिए यार। ओके चलो यार अभी देखते इसके साथ फाइट करते, अभी देखते यार शॉट का एक हिट लग जाए ना तो मर जाएगा यार। लेकिन मेरा गेम अभी लैग हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है मेरा गेम, क्या ही बोलूँ आपको यार, लैग हो रहा है। इसलिए स्मूथ चलता तो इसको मार देता मैं, लेकिन यार मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मेरा करेक्टर को, लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा। अबे कहाँ चला गया यार वो, देखो ऊपर जाके खड़ा है यार, पीछे ऊपर जाके खड़ा है, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ है यार। ये रहा, फिर से आ गया है यार। इसका जो पाई, ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्पाइक ना क्या बोलते हैं, इसका डैमेज नहीं है, थोड़ा सा डैमेज है, इसलिए मुझे मतलब हिट कर रहे लेकिन मेरा डैमेज नहीं हो रहा है। चलो यार अबे लाग ना, एक यार एक लग जाएगा तो मर जाएगा, अबे एक तो लग जाए यार। चलो ये खड़ा हो जाए फिर इसको मारते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया यार, नहीं दिख रहा है कहाँ गया है। एक बार खड़ा हो जाए तो ये देखो ऊपर ऊपर है शायद, अभी एक हिट खाएगा तो मर जाएगा। ये देखो यार इसका आर्मर पूरा तोड़ दिया मेरे, एक हिट में सारे आर्मर गया और मेरा गेम देखो क्रैश हो गया। क्या यार मेरा गेम क्रैश हो गया, अब तो यार मार देगा मुझे, क्योंकि मैं ऑफलाइन हो गया यार, जोर मार देगा मुझे पता है यार, मार देगा। क्या बात है यार, मैंने उसका आर्मर तोड़ दिया था और एक हिट करता तो यार मर जाता, क्या करूँ यार। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मार ही दिया इसने, तो मैं फिलहाल अभी उसके पास नहीं जाऊँगा। अबे देखो यार स्पॉन कहाँ दे दिया, अबे कहाँ स्पॉन दे दिया यार।
अभी मेरे पास गया यार, कहाँ फोन दे दिया। ओ भाई नहीं नहीं यार, पीछे कौन है भाई? अरे नहीं यार, क्या जुलूम है मेरे ऊपर? अरे नहीं मत मार यार। अरे कहाँ कहाँ चल रहे हो? देखो यार लाइट पे, देखो शार को। ओ भाई क्या बात है, ये शार को रियल है, इसको क्या बोलती है यार नाम? अभी तो याद नहीं आ रहा है, क्या कापरो से कुछ बोलते हैं शायद इसको, कापरो ये शार को। यार कापरो बहुत घटिया चीज़ है, अगर इसके रेंज में आएगा ना तो यार मुंह में उठा लगा यार, जब तक नवार ना देता है तब तक छूटता नहीं है। पीछे रैप्टर भी है यार। अबे क्या जुलूम है यार, क्या जुलूम है मेरे ऊपर? यहाँ पर रैप्टर भी देखा यार, पीछे एक रैप्टर भी था। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिलहाल अभी नहीं जाऊँगा। तो चलो यार गेम पे लास्ट चला, तो एक लाइक जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ये आपका मर्जी है। ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड पर। ठीक है गाइस, लेट्स गो।